दोस्तों, आज मैं आपको सबसे बड़ा सफलता का गुरु मंत्र गुरु मंत्रा बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा गुरु मंत्र है जिसे अगर आपने अपनी जिंदगी में ढाल लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। एक चिड़िया का बच्चा जब अपने घोंसले से पहली बार बाहर निकलता है तो उसके पंखों में जान नहीं होती। वो उड़ने की कोशिश करता है लेकिन जरा सा उड़कर गिर जाता है। वह फिर से दम भरता है और फिर से उड़ने की कोशिश करता है लेकिन फिर गिरता है। वो उड़ता है और गिरता है। यही क्रम निरंतर चलता जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि हजारों बार वो गिरता है लेकिन वो उड़ना नहीं छोड़ता। और एक समय ऐसा भी आता है जब वो खुले आकाश में आनंद से उड़ता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में अगर उड़ना है तो गिरना सीख लो, क्योंकि आप गिरोगे एक बार नहीं बल्कि कई बार। आपको गिरकर फिर उठना है और फिर उड़ना है। याद करो वो बचपन के दिन, जब बच्चा छोटा होता है तो वो चलने की कोशिश करता है। पहली बार चलता है तो गिरता है। आप भी गिरे होंगे, एक बार नहीं कई बार, और कई बार तो बच्चों को चोट भी लग जाती है। किसी का दांत टूट जाता है तो किसी के घुटने में चोट लग जाती है, और कई बार तो सर से खून तक निकल आता है, पट्टी बांधनी पड़ती है, लेकिन वो बच्चा चलना नहीं छोड़ता। सर पे पट्टी बंधी है, चोट लगी है, दर्द भी हुआ है, लेकिन माँ की नजर बचते ही वो फिर से चलने की कोशिश करता है। उसे गिरने का डर नहीं है और ना ही किसी चोट का डर है। उसको चलना सीखना है और वो तब तक नहीं मानता जब तक चल ना ले। सोचो उस बच्चे में कितनी हिम्मत है। उसके मन में एक लक्ष्य है, चलना सीखना, और वो चलना सीख भी जाता है क्योंकि वो कभी गिरने से डरता ही नहीं है। लेकिन जब यही बच्चा बड़ा हो जाता है, उसके अदनर समझ आ जाती है, तो वो डरने लगता है। इंसान जब भी कोई नया काम करने की कोशिश करता है उसके मन में गिरने का डर होता है। स्टूडेंट डरता है कि पहला इंटरव्यू है, नौकरी लगेगी या नहीं, इक्वल साइन इन, लगेगी, इक्वल साइन इन। बिजनेसमैन डरता है कि नया बिजनेस कर तो लिया लेकिन चलेगा या नहीं चलेगा, इक्वल साइन इन। क्रिकेटर सोचता है कि मेरा पहला मैच है, रन बना पाऊंगा या नहीं बना पाऊंगा। अरे नादान माना, तुमसे ज्यादा साहसी तो वो बच्चा है जो हजार बार गिरकर भी गिरने से नहीं डरता। सर से खून भी आ जाए तो भी नन्हे कदम फिर से चलने की कोशिश करते हैं। और एक तुम तो हो, थोड़े समझदार क्या हुए, तुम तो ना समझ हो गए। दुनिया में कोई भी इंसान इतनी आसानी से सफल नहीं होता, ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब ठोकरों से डरोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। राह में चाहे जितनी ठोकरें आए, आप अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। ये ठोकरें तो आपकी परीक्षा लेती हैं, आपके कदम को मजबूत बनाती हैं, ताकि जिंदगी में फिर कभी ठोकर ना खानी पड़े। दिस इज लाइफ, इसी का नाम जिंदगी है। एक नगर में एक मशहूर चित्रकार रहता था। चित्रकार ने एक बहुत ही सुंदर तस्वीर बनाई और उसे नगर के चौराहे में लगा दिया और नीचे लिख दिया कि जिस किसी को जहां भी इसमें कमी नजर आए वह वहां निशान लगा दे। जब उसने शाम को तस्वीर देखी तो उसकी पूरी तस्वीर पर निशानों से खराब हो चुकी थी। यह देख वह बहुत दुखी हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह दुखी बैठा हुआ था, तभी उसका एक मित्र वहां गुजरा। उसने उसके दुखी होने के कारण पूछा तो उसने उसे पूरी घटना बताई। उसने कहा, एक काम करो, कल दूसरी तस्वीर बनाना और उस पर लिखना कि जिस किसी को इस तस्वीर में जहां कहीं भी कोई कमी नजर आए उसे सही कर दे। उसने अगले दिन यही किया। शाम को जब उसने अपनी तस्वीर देखी तो उसने देखा कि तस्वीर पर किसी ने कुछ नहीं किया। वह संसार की रीति समझ गया। कमी निकालना, निंदा करना, बुराई करना आसान, लेकिन उन कमियों को दूर करना अत्यंत कठिन होता है। दिस इज लाइफ। जब दुनिया यह कहती है कि हार मान लो, तो आशा धीरे से कान में कहती है कि एक बार फिर प्रयास करो, और यह ठीक भी है। जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, टेस्ट करो तो पिघलती है, वेस्ट करो तो भी पिघलती। इसलिए जिंदगी का टेस्ट करना सीखो, वेस्ट तो हो ही रही है। कहने का मतलब है कि अपने सपने को पाने के लिए जी जान लगा दो पूरा। इसलिए लोगों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दीजिए, बस जिंदगी के मजे लीजिए। क्योंकि चलती का नाम गाड़ी है और रुकती का नाम अनाड़ी है, इसलिए हमेशा चलते रहे और अपनी जिंदगी को हर रोज अपने अंदाज से जीते रहे।